वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। तो दोस्तों, कल एक निर्णय आया हुआ था जिसे ये कहकर स्प्रेड किया गया था कि रोस्टर सिस्टम लागू हो गया है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या था। तो पूरा जो बात समझने पर यही है कि ये जो रटीशन थी 87/50/2022 की, उसके अनुसार क्या हुआ है कि जो विज्ञापन की शर्त थी उसमें पहले से मेंशन था, ठीक है। इसलिए ये इस प्रकार का निर्णय इसमें ले दिया गया है कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो फाइनल स्टेज में ही किया जाएगा रिजर्वेशन के लिए। और वहीं मैं आपको बता दूं इसमें क्या हुआ है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके अधिक नंबर आने के पश्चात भी उन्हें जो है ओबीसी में ही सीट रख दी गई है, ना कि जनरल में। और ये जो व्यवस्था है वो हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन को लेकर बनी हुई थी इस कारण से, ठीक है। तो वहीं आप देख सकते हैं इसमें हुआ क्या है कि आरक्षित श्रेणी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको प्रीलिमिनरी स्टेज में किसी भी प्रकार का जो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होगा, और केवल फाइनल जो स्टेज रहेगी उसमें इस प्रकार का रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा, यानी वो ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इससे यही होगा कि जो भी मेधावी छात्र रहेंगे जैसे कि आरक्षित श्रेणी के, उन्हें क्या रहेगा कि प्रीलिमिनरी स्टेज में उसी में रेस्ट कर दिया गया, ठीक है, इसके अनुसार, और उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी जो जनरल की सीट रहेंगी वो 50, मान लीजिए 50 हैं तो वो 50 जनरल कैंडिडेट से ही फिल हो जाएंगी, ठीक है। उसका 3 times कैंडिडेट बुला लिए जाएंगे। इसी प्रकार से ओबीसी एससी एसटी की व्यवस्था रहेगी, यानी यदि वो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यदि अच्छे नंबर लाते हैं तो उन्हें ऊपर ना शिफ्ट करके उसी कैटेगरी में ही 3 times बुलाए जाएंगे। फिर क्या होगा, इंटरव्यू के पश्चात जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फाइनल स्टेज में यदि उनके अच्छे नंबर आते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। इस प्रकार की ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय दिया गया। तो इसी को लेकर ये निर्णय था, और उसी के कारण जो रोस्टर सिस्टम के कारण ही जो 2019 का रिज़ल्ट था पहले रोक दिया गया था। और ये देख लीजिए, अब 4 हो गए हैं उस चीज़ को, और अब जाके उस प्रकार की व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। तो फिर इसमें क्या होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बार और इसी को लेकर लगेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार का रूल लागू होता है तो सेंट्रल में भी इस प्रकार का रूल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो अभी भी जब आप देखेंगे यूपीएससी वगैरह और एसएससी के एग्ज़ाम, तो उनमें क्या होता है कि स्टार करके रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। आपने देखा होगा एसएससी के जितने भी रिजल्ट आते हैं उसमें यूआर की सीट में आप जब भी देखेंगे तो उसमें स्टार लग के लिखा होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट फिल्ड बाय ओबीसी एससी एसटी। तो जो भी मेरिटोरियस रहते हैं उनकी जो है स्टार लगा के उनको भी ऐड किया जाता है उसमें। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रकार का फैसला जो है अवैध हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरी जानकारी थी कल के निर्णय से रिलेटेड। कई लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि इसमें क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि पूरी जानकारी के पश्चात मैं आपको इस बारे में बता पाऊँ। तो ये था पूरी जानकारी। तो रोस्टर सिस्टम एक प्रकार से अभी लग गया है, हालांकि उसको चैलेंज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो भी उनके अधिवक्ता हैं उनके द्वारा। तो आप सभी का शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए।